अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं? आई होप सब सही होंगे। मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो शब रात का व्लॉग फाइनली आज मैंने टर्न कर दिया एडिट करके। सबसे पहले मेरी मॉर्निंग में स्टार्टिंग ये होती है, इसमें सदका दूँ, उसके बाद जो भी सदका थी आपकी मलाएँ वगैरह दूर हो जाती हैं, आपकी दुआएँ कबूल हो जाती हैं। एंड देन हमने सबसे पहले पानी बॉयल करा, पानी के अंदर शीरा बनाने के लिए हमने सूजी का हलवा बन रहा था तो शीरा बनाने के लिए हमने चीनी डाली और पानी डाली और इलायची डालकर इसको हमने पकाने के लिए रख दिया एक साइड पर। दूसरे उसमें हमने घी डाला और इलायची डाली और सूजी आधा किलो, उसको अच्छे से भून लिया जिससे इसका कलर ब्राउनिश पर आ जाए और दाने दाने हो जाएँ। और इस पर हम स्पून हम जो है ना चलाते रहेंगे, इस पर रोकेंगे नहीं, आप चलाते रहें जब तक इसका कलर चेंज ना हो इसमें और इसमें दाना ना बने। और ये वैसे मेरे मोस्टली मेरे फादर ही बनाते थे हर शब रात को, उन्हीं को मैं देखती थी पिक करते थे हम, और वो बहुत अच्छा बनाते थे। और हमारे फादर का स्पेशली हलवा बनाना, हलवा पूरी ये चीज़ बनाते थे वो, तो हम उनसे और अच्छे अच्छे कमेंट भी पास करते थे। तो उसी दिन का डेथ भी हुई थी उनके इंतकाल के बाद, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया तो ये अच्छे से भून किया, इसका कलर ब्राउनिश पर आ गया। और जब तक ये ब्राउनिश पर नहीं आ गया जब तक हम उसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे, जब ये ब्राउनिश पर आ गया ब्राउन हो गया तो जो हमने शीरा बनाया हुआ था वो हम डाल दे रहेंगे इस सूजी के अंदर और भूनेंगे, स्पून चला दे रहेंगे। और इसके बाद हम इसमें जो भी आपको मेवा यूज़ करना है वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा, और जितनी मीठा आपको रखना है वो अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, ज़्यादा खाने कम खाने वो आप पर डिपेंड है। एंड देन हमारा रोज़ा भी होता है तो रोज़े के लिए हमने इफ्तारी के लिए दूध का शरबत बनाया, उसमें हमने तो मलंगा डाला और चीनी डाली और बादाम डाले और ये रोज़े का शरबत बन गया। और एक साइड पर मैंने अंडा फ्राई करा और ब्रेड लगाई और इसको हमने डन कर लिया। और जब तक ये डन होता है उसके बाद हमने थोड़ा सेका और मैंने और मेरी सीसी ने रोज़ा, और ये मेरी इफ्तारी रेडी हो गया। और आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दिएगा। एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।